स्वागत है दोस्तों, आप सबका अपने चैनल MSGill Infotainment में। आज हम जिनके बारे में बताने जा रहे हैं, इस महान शख्सियत का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह, जो कि 1965 की जंग के भारतीय सिख हीरो थे। अगर ये महान फौजी ना होता तो हम श्री दरबार साहिब स्वर्ण मंदिर और श्री अमृतसर गुरदासपुर तरन तारण साहिब कीरतपुर साहिब जैसे हमारे गुरुओं द्वारा बसाए गए शहर हम पाकिस्तान से हार चुके होते। लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह 1965 की जंग के हीरो थे। ये भारतीय सेना के पश्चिमी मोर्चे पर कमान संभाला करते थे। 1965 में पाकिस्तान फौज ने खेमकरण कब्जा लिया। भारतीय सेना प्रमुख जनरल चौधरी का संदेश आया, अमृतसर तो गया, पीछे हट जाओ और दिल्ली बचाओ। तब लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने कहा, 17 साल पहले पंजा साहिब खोया, ननकाना साहिब खोया, अब दरबार साहिब नहीं खोना है। यह इतने हिम्मत वाले और मजबूत थे कि मरते समय भी एक स्टील का टुकड़ा जो विश्व युद्ध 2 के समय इनके दिमाग में रह गया था मौजूद था। 1965 के दौर में जब पाकिस्तान के पास अमेरिका द्वारा दिए गए हाई टेक्नोलॉजी वाले पैटर्न टैंक थे, उस समय लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने अपने मजबूत इरादों के साथ पाकिस्तान सेना को हराया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान का बयान आया था कि अगर यह बंदा पहाड़ बनकर सामने न आता तो पाकिस्तान 1965 की जंग न हारता। सोचो, दुश्मन भी इनकी बहादुरी और हिम्मत का क्रेडिट देता था, पर हम भारतीय इनकी बहादुरी और शूरवीरता भुला चुके हैं और अधिक भारतीय इनको जानते भी नहीं हैं। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, पर आ जाइए थोड़ा समय निकाल कर जानते हैं भारतीय सेना के इस हीरो के बारे में। हरबख्श सिंह का जन्म 1 अक्टूबर 1913 को जींद राज्य की राजधानी संगरूर के पास बदरुखान गांव में एक धनी खत्री सिख परिवार में हुआ था, जो 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता डॉक्टर हरनाम सिंह डॉक्टर बनने वाले गांव के पहले व्यक्ति थे। डॉक्टर सिंह जींद इन्फेंट्री में शामिल हुए। हरबख्श ने लाहौर के सरकारी कॉलेज में शामिल होने से पहले संगरूर के रणबीर हाई स्कूल में पढ़ाई की। खेलों में हमेशा अच्छे रहे, सिंह कॉलेज हॉकी टीम का हिस्सा थे। एक रियासत से संबंध रखने वाले व्यक्ति के रूप में उन्हें पंजाब के गवर्नर सर जेफरी मोंटमोरेंसी की अनुमति लेनी पड़ी। इसके बाद वह भारतीय सैन्य अकादमी IMA में दाखिला लेने के लिए प्रवेश परीक्षा में बैठे। मार्च 1933 में सिंह देहरादून पहुंचे और IMA में शामिल हो गए। वह सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल गुरबख्श सिंह के भाई थे। हरबख्श सिंह ने चीनी मुठभेड़ के केवल 3 साल के भीतर एक पराजित सेना के मनोबल को बढ़ाने और उसे एक हड़ताली बल में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब पाकिस्तान ने छम सेक्टर में हमला किया तो जनरल चौधरी चाहते थे कि पाकिस्तान का सामना अखनूर से आगे बढ़कर किया जाए, लेकिन जनरल हरबख्श सिंह ने चौधरी से कहा कि आप सरकार से मुझे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर लाहौर की तरफ बढ़ने की अनुमति दिलवाए। जनरल चौधरी कुछ हिचकिचा रहे थे, लेकिन जनरल हरबख्श सिंह ने इस पर जोर देते हुए कहा कि अगर आप सरकार से ये बात नहीं कह सकते तो मुझे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से मिलने की अनुमति दीजिए। अंततः उन्हें 3 सितंबर को पंजाब में बढ़ने की अनुमति मिली। हरबख्श सिंह अपनी आत्मकथा इन द लाइन ऑफ ड्यूटी में लिखते हैं, इस बीच पाकिस्तान को ये आभास देने के लिए कि हम अखनूर पर उसके हमले का जवाब देने जा रहे हैं, मैंने अपने इंजीनियरों को पठानकोट अखनूर सड़क की मरम्मत करने और जम्मू तवी के ऊपर के पुल को और मजबूत करने के आदेश दिए। इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ा मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि 3 दिन बाद जब हमने लाहौर की तरफ मार्च शुरू किया तो वो आश्चर्यचकित रह गए। वो आम चेयर जनरल नहीं थे, वो फील्ड कमांडर थे और कहा करते थे कि फील्ड में ही जाकर असलियत पता चलती है, पीछे बैठकर या रिपोर्ट से नहीं। वो ये भी मानते थे कि अगर कमांडर आगे जाएगा तो दूसरे भी उत्साहित होंगे और लड़ाई में जरूर सफलता मिलेगी। 1965 के युद्ध में कई मामलों में उनके सेनाध्यक्ष जनरल चौधरी से मतभेद थे। अपनी आत्मकथा इन द लाइन ऑफ ड्यूटी में हरबख्श सिंह लिखते हैं, 9 सितंबर की रात 2:30 बजे सेनाध्यक्ष ने मुझे फोन मिलाया। उनका कहना था कि भारतीय सेना को पाकिस्तानी हमले से अलग थलग होने से बचाने के लिए मुझे अपनी सेना को ब्यास नदी के पीछे ले आना चाहिए। इसका मतलब था पंजाब के बहुत बड़े भूभाग जिसमें अमृतसर और गुरदासपुर के जिले थे खाली कर देना। मेरी नज़र में भारतीय सेना के लिए ये 1962 के चीन हमले से भी बुरा झटका होता। जनरल हरबख्श सिंह ने ये आदेश मांगने से इनकार कर दिया। उनका कहना था मैं तय करूंगा कि मैं उस आदेश का पालन करूंगा या नहीं।
वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मैंने जनरल चौधरी से कहा कि चूंकि ये एक रणनीतिक आदेश है, इसलिए उन्हें इसे युद्ध भूमि में ही आकर देना होगा, वरना आप मुझे लिखित आदेश दीजिए। तय हुआ कि वो मुझसे अंबाला में मिलेंगे। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जनरल चौधरी के जहाज के साथ एक एस्कॉर्ट जहाज भी था। मैंने स्टेशन कमांडर से उसी समय कहा कि सीमा पर लड़ रहे हमारे सैनिकों को रोज इस तरह के विमानों की दरकार होती है। मैं और चीफ सीधे ऑपरेशन रूम में गए, जहां हम दोनों के बीच काफी गर्मागर्मी हुई, लेकिन मैंने उन्हें ये स्पष्ट कर दिया कि अगर वो कोई रणनीतिक आदेश देना चाहते हैं तो उन्हें मेरे साथ फ्रंट पर आना होगा और तब मैं तय करूंगा कि मैं उस आदेश का पालन करूंगा या नहीं। मेजर जनरल पलित भी लिखते हैं, हरबख्श सिंह ने जनरल चौधरी से कहा कि वो इतने महत्वपूर्ण मसले पर मौखिक आदेश का पालन नहीं करेंगे, इसके लिए आपको मुझे लिखित आदेश देने होंगे। लिखित आदेश कभी नहीं आए। कुछ ही घंटों में हालात बदल गए जब खेमकरण में भारत के सेंचुरियन टैंकों ने अपने से कहीं बेहतर पैटर्न टैंकों को धूल चटा दी। सामरिक मामलों के एक और विशेषज्ञ के सुब्रमण्यम ने भी लिखा है कि जनरल चौधरी ने प्रधानमंत्री शास्त्री से भी ब्यास नदी के पीछे हटने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्होंने इसकी इजाजत नहीं दी। टीकाकार इंदर मल्होत्रा और कुलदीप नैयर ने भी बीबीसी को बताया कि अगर चौधरी की चली होती तो भारत को बहुत बड़े हिस्से से पीछे हटना पड़ता। कमांडरों को बर्खास्त करने से नहीं हिचके। उनके एडीसी रहे कैप्टन अमरेंद्र सिंह, जो बाद में पंजाब के मुख्यमंत्री भी बने, कहते हैं कि वो बहादुरी के हर काम को सराहते थे, लेकिन पेशेवर गलती को वो कभी भी माफ नहीं करते थे। 1965 में भी जब मेजर जनरल निरंजन प्रसाद आशानुरूप काम नहीं कर पाए तो बीच लड़ाई में भी वो उनको हटाने से नहीं हिचके। उसी तरह जब मेजर जनरल चोपड़ा ने अखनूर के मोर्चे पर अकुशलता दिखाई तो उन्हें भी हटाने में उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल हरबख्श सिंह को पीछे हटने में यकीन नहीं था। उस जमाने में जनरल चौधरी के स्पेशल असिस्टेंट रहे और बाद में भारत के सेनाध्यक्ष बने जनरल वीएन शर्मा कहते हैं, जनरल हरबख्श सिंह बहुत आला अफसर थे। लड़ाई के दौरान एक अफसर का डटकर खड़ा होना और अपनी कमान चलाना जैसा वो चाहे, बड़ी खूबी की बात होती है। उनका मानना था कि अगर आप दूसरे देश में लड़ रहे हैं तो जरूरत पड़ने पर आप अपने सैनिकों को पीछे ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने ही देश में लड़ रहे हैं तो पीछे जाने का विकल्प आपके पास है ही नहीं, क्योंकि वो हमारी जमीन है, हमारा घर है। हम अपने लोगों को दुश्मन के हवाले कैसे कर सकते हैं। उनके इस रवैये ने देश के नेतृत्व को काफी आत्मविश्वास दिया। उनकी बेटी कहती है कि उनका पहला परिवार भारतीय सेना थी, हम दूसरे नंबर पर आते थे। उनको संगीत का काफी शौक था, पुराने गाने उन्हें बहुत पसंद थे, कभी कभी वो खुद भी गाने की कोशिश करते थे। उन्हें चौदहवीं का चांद और प्यासा के गाने बहुत पसंद थे और वो अक्सर प्यार मांगा लेकिन कांटों का हार मिला गाना गुनगुनाया करते थे। वो अक्सर अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते थे और बहुत रैश ड्राइवर थे। उस जमाने में उनके साथ पायलट जीप चला करती थी और वो अक्सर अपनी पायलट जीप से आगे निकल जाते थे। उन्होंने हर पाकिस्तानी सैनिक का सम्मान किया था। उनकी बेटी कहती है, अनुशासन का उनके जीवन में बहुत महत्व था। नाश्ते और दिन के खाने के बीच कुछ भी खाने की मनाही थी। वो बताती हैं, कोका कोला भी मना था। वो जापान में युद्धबंदी भी रह चुके थे, इसलिए उन्हें खाने की अहमियत मालूम थी। उनको 2 साल तक खाना नहीं मिला, इसलिए वो हमेशा जोर देते थे कि खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। जब ये कहते थे कि हमें ये नहीं खाना तो उनको ये बात बहुत नागवार गुजरती थी। उन्होंने पाकिस्तान में युद्ध में जीती गई हर मस्जिद की मरम्मत करवा कर उसे वापस किया। इसके अलावा उन्हें जिस भी पाकिस्तानी सैनिक का शव मिला उसे उन्होंने पूरे सैनिक सम्मान के साथ दफनवाया। प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने तलवार भेंट की थी। पाकिस्तानी की तरफ से उनके काउंटरपार्ट जनरल बख्तियार राणा उनके दोस्त और बैचमेट थे। वो लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में साथ साथ पढ़े थे। जब युद्ध विराम के बाद भारत और पाकिस्तान में बातचीत हो रही थी तो संयुक्त राष्ट्र से भेजे गए चिली के जनरल मरम्बियो ने पाकिस्तान का टेंट एक तरफ रखा और भारत का दूसरी तरफ। जब लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा, कहां है जनरल राणा, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। कितने साल हो गए हैं उनसे मिले हुए। उन्होंने जैसे ही जनरल राणा को देखा अपनी बाहों में भर लिया। आश्चर्यचकित जनरल मरम्बियो ने कहा कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि तुम लोग लड़ क्यों रहे हो आपस में, लड़ाई किस बात पर है।
1965 के युद्ध के बाद दिल्ली के सिख समुदाय ने बंगला साहब गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और जनरल हरबख्श सिंह को सरोपा देकर सम्मानित किया। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को एक तलवार भेंट की जिसका कद उनसे भी बड़ा था। शास्त्री जी ने अपने बगल में बैठे जनरल हरबख्श सिंह को हाथ पकड़ उठाया और वो तलवार उन्हें भेंट कर दी। शास्त्री बोले, मैं तो धोती प्रसाद हूँ पर मेरे जनरल धोती प्रसाद नहीं है। वो तलवार आज भी जनरल हरबख्श सिंह के परिवार के पास है। 14 नवंबर को हरबख्श सिंह जी का देहांत हो गया। 1999 लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह जी को दिए गए पुरस्कार और अलंकरण पद्म विभूषण पद्म भूषण वीर चक्र पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अंत में चंद पंक्तियां भारतीय सैनिकों के लिए। दुश्मन को गोली के निशाने पे लिए बैठा हूँ, मेरी जिंदगी को मैं मौत के मुहाने पे लिए बैठा हूँ। दफन कर दूंगा हर कोशिश में दुश्मन है हिंद की, मेरे देश की दुआओं का मैं तूफान लिए बैठा हूँ।